हमने अपने सिटी वन चैनल के माध्यम से पुआल और पराली से घर बनाने वाली गोरखपुर की बेटी श्रुति पांडे की खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। इस पुआल और पराली से बने घर का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन सहित जिले के अन्य आला अधिकारी भी पहुंचे। अधिकारियों ने इस घर का विधिवत निरीक्षण किया और अपने आप में इस अनोखे घर की तारीफ की। वो मिल चुकी है हमसे बार बार। हाँ नहीं 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 ठीक, हम घुमा के दिखा दें। हाई स्टम के प्रेशर से उसको वो प्रेस करते हैं तो ऑक्सीजन जीरो। अच्छा, इसको अगर कोई क्या है कि इसमें कांटी ठोक दे या जैसे ईटे की दीवार है ना, लोग खोद देते हैं, लेकिन इसमें तो वो जब काटता था मशीन से तो उसमें से आग निकलती है, वो इतना मजबूत था। ये बनने में कितने दिन लगा? इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा कि कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाया जाए। एक पहल है, ये जो भूसा से एक स्ट्रक्चर खड़ी की है उन्होंने बिल्डिंग का, एक इको स्ट्रक्चर करके इसका नाम भी दिए हैं। इनका इन्वेस्टर समिट के माध्यम से सिग्नेचर भी हो गया है जो उसका निवेश आने के लिए एक अच्छा पहल है, ताकि जो भूसा जो बचता है उसी से आवास कैसे बन सकता है। ये आवास बहुत मजबूत भी है और इस पर फायर रेसिस्टेंट भी है। ये बस एक बिल्डिंग काउंसिल से एक सर्टिफिकेट आना बाकी था, वो आ जाएगा तो हम प्रधानमंत्री आवास भी इसी सीरीज से हम चालू कर सकते हैं उस पर, उसी पहल पर। हाँ वो भी है, बुकिंग रोई है और दोबारा ये रीफैब्रिकेटेड है, यानी जो मान लीजिए एक बार तो हट जाता है दोबारा भी उसको करा सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल भी है, ये बहुत सारे फायदा है उसका। बस एक ही चीज़ से बिल्डिंग काउंसिल से एक सर्टिफिकेट आना बाकी है, वो आ जाएगा, हम लोग तो फिर नया सिरे से पूरा प्रधानमंत्री आवास से चालू कर सकते हैं।